हेलो दोस्तों दोस्तों अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज प्ले ऐप जाकर उसे विजिट कर ले, विल गेट ऑल द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एट अ सर्टेन रेट पर एनम द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी फॉर वन ईयर इज रुपीज 260 एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर टू ईयर्स इज रुपीज 540.80 द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। दोस्तों क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कोई अमाउंट है जिस पे जो सिंपल इंटरेस्ट है एक साल का वो 260 रुपए है और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है दो साल का वो 540.80 रुपए है, तो पूछ रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। ठीक है, तो दोस्तों कोई प्रिंसिपल होगा। ठीक है, अब प्रिंसिपल पे जो अब कितने साल का है दोस्तों, टू ईयर के लिए। टू ईयर के लिए मतलब दो लाइन में बनाऊंगा, ये फर्स्ट ईयर का होगा और ये सेकेंड ईयर का होगा। इतना समझ में आया? अब फर्स्ट ईयर में मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो फर्स्ट ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट के बराबर होता है। ये चीज मैंने आपको कंसेप्ट वाले वीडियो में बताया था। तो फर्स्ट ईयर में तो अब जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है, 260। ठीक है, तो सेकेंड ईयर में भी जो पहला पार्ट होगा वो भी 260 ही होगा, क्योंकि सेकेंड ईयर में भी, जैसे देखो फर्स्ट ईयर में 260 हो गया, अब सेकेंड ईयर में भी 260 तो होगा ही, साथ में इस पे कुछ ब्याज लग के कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट हो जाएगा। और हम जानते हैं कि टोटल अमाउंट हमारे क्वेश्चन में कितना दो है, 540.80, ये दोनों को मिलाकर 520 रुपये हो गए, तो बच्चे कितने, 20.80। इतना समझ में आया? अब ये 20.80 कितना रेट बना रहा होगा 260 का, मतलब 260 का कितना परसेंट होगा 20.80, यही तो रेट होगा। तो 20.80 जो है ये 260 का कितना रेट है, कितना मतलब रेट है, तो ये रेट हो गया। और रेट परसेंट की बात कर रहा है तो इनटू 100 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20.80/260। अगर इसको कैंसिल करें तो ये कितने से मल्टीप्लाई कर हो जाएगा, 8 से, तो ये 8% हमारा आंसर आ गया, 8% आंसर हो गया। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये सीजीएल टीयर 1 में क्वेश्चन पूछा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है कि किसी मनी पे जो सिंपल इंटरेस्ट है 4 साल के लिए, ठीक है, मतलब 4% के पर एनम पे, ये 2 साल के लिए 80 रुपए है। ठीक है, तो पूछ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट उसी सम पे उसी पीरियड पे कितना होगा। तो मैंने मान लिया कोई प्रिंसिपल होगा, अब 2 साल की बात कर रहा है, ठीक है, तो 2 साल की बात कर रहा है, तो ये फर्स्ट ईयर हो गया और ये वाली लाइन सेकंड ईयर। अब दोस्तों 2 ईयर के लिए 80 रुपए है, मतलब 40 रुपए फर्स्ट ईयर के लिए भी होगा, 40 रुपए सेकंड ईयर के लिए भी होगा। लेकिन अगर अपन कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो फर्स्ट ईयर में तो 40 होगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के लिए सेम होता है। लेकिन सेकेंड ईयर में सिंपल इंटरेस्ट तो इतना है 40, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या इतना होगा सेकेंड ईयर में, नहीं, इससे ज्यादा होगा। अब पूछ रहा है कि कितना ज्यादा होगा। अब दोस्तों जो रेट हो रहा है ये 4% का रेट लग रहा है, तो अगर मैं 40 का मतलब सेकेंड ईयर में फर्स्ट ईयर के भी इंटरेस्ट पे ब्याज लगता है, तो 40 का अगर मैं 4% निकालूं तो कितना हो जाएगा, 40 का अगर मैं 4% कैलकुलेट करूं तो ये 0 से 0 कैंसिल, यानी 1.6 हो जाएगा, तो ये हो गया 1.6। पूछ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो गया, यही तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया दोस्तों, 40 40 80 80 प्लस 1.6 81.6, जो कि हमारा आंसर है। ठीक है, या फिर इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, कैसे, और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन सीजीएल टीयर 2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, एसएससी सीजीएल में, तो बहुत मतलब सीजीएल जो क्वेश्चन पूछता है ना वो बहुत ज्यादा लेंदी नहीं होता है, पर थोड़ा सा ट्रिकी होता है। ठीक है, इसको दूसरे वे में कैसे कर सकते हैं, 4% मतलब दोस्तों क्या हो गया, 4% का मतलब हो गया 1/25। अब 2 ईयर की बात कर रहे हैं तो मैं 25 का स्क्वायर करूंगा, ठीक है, इसका 1/25 करूंगा, इसका 1/25 करूंगा, तो ये कितना हो गया, 25 25, और इसका भी 1/25 करूंगा, तो ये 1 आ गया। अब दोस्तों ये 25 पहले साल का और दूसरे साल का भी 25 है, सिंपल इंटरेस्ट है, तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट हमारे अनुसार 50 है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार कितना दिया हुआ है, 80, तो 1 में कितना हो जाएगा, 8/5। पूछ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल कितना आ रहा है हमारे अनुसार, 51,
ठीक है, तो 1 8 बाई फाइव के इक्वल, तो 51 किसके इक्वल हो जाएगा, 8 बाई फाइव इंटू 51 कैंसिल करो तो 5 10 जा 5 2 जा, ये कितना हो गया 8 2 16 और 81 81, ये हमारा आंसर है। इस तरह भी अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी सम पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट है 5% के रेट से 2 साल में 246 हो रहा है, ठीक है। पूछ रहा है कि उसी सम पे जो सिंपल इंटरेस्ट होगा 3 साल के लिए 6% के रेट पे कितना होगा, ठीक है। तो पहले तो हमें इसके लिए सम निकालना पड़ेगा, प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगर प्रिंसिपल आ गया तो हमारे पास टाइम और रेट दिया हुआ है, आराम से हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए रेट कितना दिया हुआ है दोस्तों, रेट दिया हुआ है 5% का, मतलब हो गया 1/20, ठीक है। अब 2 साल की बात कर रहा है तो मैं 20 का स्क्वायर करूंगा, ठीक है। ये सब, ये सारा अपन क्यों कर रहे हैं, ये कंसेप्ट वाली वीडियो जब आप देखेंगे तो आपको इजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि प्लीज पहले आप जाकर कंसेप्ट वाली वीडियो विजिट करें। अब देखिए 2 है तो 2 हमने लाइन ले लिया, ठीक है। 1/20 इसका भी करेंगे, 1/20 इसका भी करेंगे, तो ये कितना आ गया 20, ये भी 20, इसका 1/20 किया तो आ गया 1। अब कंपाउंड इंटरेस्ट हो तो दोस्तों कितना आ गया 41, हमारे अनुसार 41 आ गया, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार जो कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का है ये 246 दिया हुआ है, तो 1 किसके इक्वल हो जाएगा 6 के इक्वल। तो हमारे पास प्रिंसिपल दोस्तों कितना है 400 रुपये है ना, 20 का स्क्वायर यानी 400, 1 6 के इक्वल है तो 400 किसके इक्वल हो जाएगा दोस्तों, 6 × 400 यानी 2400 रुपये। अब 2400 हमारे पास आ गया प्रिंसिपल, है ना। अब टाइम कितना है 3 ईयर, रेट क्या है 6%, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 1 साल का अगर मैं निकालूं सिंपल इंटरेस्ट तो 2400 का 6% मैं निकाल दूंगा, लेकिन 3 साल का निकालना है तो × 3 कर दूंगा, ठीक है। अगर इस टोटल को अगर अपन कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 432, जो कि हमारा आंसर है। और दोस्तों ये भी जो क्वेश्चन है ये CGL टीयर 1 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है और कंपाउंड इंटरेस्ट है किसी मनी पे किसी दिया हुआ रेट पे 2 साल के लिए, तो 900 रुपये और 954 रुपये रिस्पेक्टिवली है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना है 900 और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 954। पूछ रहा है कि प्रिंसिपल क्या है, सम ऑफ मनी क्या है, अब इसको अपन कैसे करेंगे। तो दोस्तों मैंने मान लिया कि ये प्रिंसिपल होगा। अब दोस्तों 2 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 900 रुपये है, ठीक है। तो दोस्तों 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है 900 का हाफ यानी 450 हो जाएगा, तो दूसरे साल के लिए भी ये 450 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर अपन बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों साल के लिए सेम नहीं होता है, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट दोस्तों कितना दिया हुआ है 954, 900 तो यही हो गया, तो 54 यानी सेकेंड वाला जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा ये फर्स्ट से तो ज्यादा ही होगा, तो इसमें 54 अपन ने ऐड कर दिया, ठीक है। अब यहां से रेट अपन निकाल सकते हैं, रेट कितना लग रहा है 54 रुपये 450 पे लग रहा है, इसका कुछ ना 450 का कितना परसेंट 54 है ये निकालना पड़ेगा, और यही तो रेट होता है। तो अगर 54 अपन 450 कर दे तो ये रेट हो गया, अगर परसेंट की बात करें तो × 100 कर दिया, ठीक है, इतना समझ में आएगा। अगर यहां से मैं इस चीज को कैलकुलेट करूं तो ये आ जाएगा 12%, 12% का दोस्तों मतलब हो गया 12/100 यानी 3/25, मतलब कि 25 अगर हमारे पास प्रिंसिपल है तो 3 हमारे पास इंटरेस्ट है, ठीक है। अब क्वेश्चन के अनुसार अगर हम सिंपल इंटरेस्ट देखें तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 2 साल का 900 है तो 1 साल का 450 है, ठीक है। और हमारे अनुसार 1 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 3 रुपये है, और क्वेश्चन के अनुसार 1 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 450 है, तो 1 किसके इक्वल हो जाएगा 1550। तो दोस्तों 25 हमें निकालना है यानी प्रिंसिपल निकालना है, तो 25 किसके इक्वल हो जाएगा 25 × 150, इसको कैलकुलेट करोगे आप तो 3750 हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 3750 आंसर। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये CGL टीयर 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों इसको मैं बता रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, पर जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो ट्रस्ट मी आप एक मिनट भी आप इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को नहीं लगाओगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना, जो क्वेश्चन नंबर 10 अभी आपको बताने जा रहा हूँ, ये इस टाइप का बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन को माना जाता है। देखिए
जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो 122 रुपए है। ऑब्वियस सी बात है कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा होगा, सिंपल इंटरेस्ट कम होगा। कब? 3 साल में 5% के रेट से। ठीक है दोस्तों, तो रेट कितना है दोस्तों हमारे पास 5%। 5% का मतलब दोस्तों हो गया 1/20, इतना समझ में आ गया। लेकिन टाइम कितना है? 3 साल। तो हम 20 का स्क्वायर ना करके 20 का क्यूब करेंगे और 3 लाइन बनाएंगे। ये वाली लाइन फर्स्ट ईयर को दर्शाएगा, ये सेकंड ईयर को और ये थर्ड ईयर को इंडिकेट करेगा। ठीक है, अब इसका 1/20 करेंगे तो ये कितना हो गया 20 का स्क्वायर। सेकंड ईयर में भी पहले तो प्रिंसिपल पे करेंगे तो 20 का स्क्वायर, फिर रेट पे इसका भी फर्स्ट ईयर के ब्याज पे करेंगे तो ये हो गया 20। फिर थर्ड ईयर में भी प्रिंसिपल के करेंगे 1/20, इतना हो गया। फिर फर्स्ट का 1/20 करेंगे तो 20 हो गया। फिर इस इंटरेस्ट पे अगर 1/20 करेंगे तो 20 हो जाएगा, इस इंटरेस्ट पे 1/20 करेंगे तो 1 हो जाएगा। इतना समझ में आया? अब दोस्तों एक बात बताओ, 3 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है ये हमारे पास, फर्स्ट साल का भी सिंपल इंटरेस्ट 400 है, सेकंड ईयर का भी सिंपल इंटरेस्ट 400 है और थर्ड ईयर का भी सिंपल इंटरेस्ट 400 है, लेकिन 3 साल का जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है वो इतना बना। तो ये टोटल हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट और ये 3 साल का है सिंपल इंटरेस्ट। तो पूरे में से अगर मैं इतना माइनस करूं तो हमारे पास क्या बचा? इतना। और ये जो है ये हमारा है सीआई माइनस एसआई। तो सीआई माइनस एसआई दोस्तों हमारे पास कितना है? 61। और क्वेश्चन के अनुसार सीआई माइनस एसआई कितना दिया हुआ है? 1, 2, 2। तो एक किसके इक्वल हो जाएगा? 2 के इक्वल। तो दोस्तों पूछ रहा है कि सम क्या है। सम हमारे अनुसार कितना था? 20 का क्यूब यानी 8000। तो एक अगर 2 के बराबर तो 800 किसके बराबर हो जाएगा? इंटू 2 यानी 16000, जो कि हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये भी CGL Tier 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप देख रहे हो कि हम लगातार SSC लेवल का क्वेश्चन, CGL लेवल का क्वेश्चन करते आ रहे हैं और मुझे नहीं लगता है कि इस लेवल से ज़्यादा भी लेवल का क्वेश्चन गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों अगर आपको ये सब वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आपके लाइक और शेयर से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, गुड बाय।